नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार। आज मुजफ्फरनगर के जरीवर मेरे पीछे क्रांति सेना और क्रांति सेना के लोग जुड़े हैं। INCS की बात करते हैं कि क्या मामला आज। सर स्वागत है आपका। आज क्या मामला है? आज SP ट्रैफिक साहब का हमने घिराव कराया है क्योंकि लगातार नगर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा चेकिंग के नाम पर अवैध उगाही करी जा रही है। हमारा मुजफ्फरनगर 5 किलोमीटर में लगभग है यो, और हर 5 मीटर के दायरे, 500 मीटर के दायरे पे चेकिंग करी जा रही है। चेकिंग के नाम पे 10 पुलिस वाले वहाँ खड़े हैं और हर चौराहे पे जाम लग रहा। जाम खुलवाने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। बेचारा आम जनमानस को देख के उसको रोक रहे हैं। 10,000, 15,000, 20,000 का चालान बता के उनसे 1,000, 2,000 में सेटलमेंट कर रहे हैं। वे पैसे अपनी जेब में डाले जा रहे हैं। लगातार शहर में ई रिक्शाओं द्वारा जाम है। फर्जी यहाँ पर डग्गा मार वाहन चल रहे हैं, उनसे जाम है। उन अभी पीछे जी लगभग 1.5-2 महीने पहले 2 व्यक्तियों की मौत भी हो गई थी डग्गा मार वाहनों से, मगर उस पर कोई ध्यान नहीं। 2 दिन वे बंद रहे, उसके बाद वे शुरू हो गए। हमने कहा है कि मगा अगर इस तरह की अवैध उगाही बंद ना गई गई तो शिव सैनिक अपने स्तर से हर प्रत्येक चौराहे पर बैठेंगे, पड़ोसी मार्ग वहीं जाम लगाएंगे, वहीं धरना प्रदर्शन चलूगा। सर एक सवाल है कि मुजफ्फरनगर का जो वाहन है रोब से चलता है, पेट्रोल से नहीं चलता, एक आवत है, इस पर क्या कहना है आपका? यो रो वाला वाहन का तो सिस्टम ही खत्म हो गया है। अब तो जैसे शहरों में गांव देहात में पहले रात को लूट कर से या चोर बदमाशों से आम किसान खेत में जाता हुआ डरता था ना, ऐसे मुजफ्फरनगर में आम जनमानस शहर में निकलने से डर रहा है। उन्हें लग रहा है कहीं ये सफेद वर्दी वाले हमें ना लूट ले, हमारा चालान ना कर दे वेद रूप से, हमारे से 10-5 हजार का चालान ना काट दे, या फिर पकड़ लेते हैं तो 1,000-2,000 रुपए लेके। तो इस टाइम आदमी बदमाशों से कम पुलिस प्रशासन से ज्यादा डर रहा है। सर शहर में दुर्घटना होने की बहुत संभावना है क्योंकि हेलमेट की अनिवार्यता बिल्कुल खत्म है हमारे शहर में। मुझे फोन कर में कोई हेलमेट की वैल्यू नहीं समझता, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो हेलमेट कंपलसरी है, लेकिन अगर घर से 5 दुकान तक बच्चा जा रहा है तो वहाँ पे हेलमेट को, हेलमेट का मतलब वाहन ज्यादा होना, वहाँ पे बड़े वाहन होना। छोटे वाहन अगर मान लो घर से 5 कदम पे जा रहा है या 5 दुकान पे, वहाँ हेलमेट की अनिवार्यता मैं नहीं समझता। दूसरी चीज, आपके चैनल के माध्यम से आज हम एक चेतावनी प्रशासन को दे रहे हैं कि यहाँ का प्रशासन अगर किसी ने गले में हरा पटका डाल लिया उससे डरता है, और हम ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि ये देश सनातन धर्म का देश है और हरे पटके का यहाँ कोई मतलब नहीं है। भारतीय किसान यूनियन का हरा पटका? जी, भारतीय किसान यूनियन जिसकी भी पूछ उठाओगे वही किसान यूनियन फर्जी। इनकी जांच कर लीजिए, जिसमें 1 बीघा भी जमीन नहीं उसने भी फर्जी किसान यूनियन बना ली। हम जिलाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि इन किसान यूनियनों की, क्योंकि सारे अपराधी किसान यूनियन में, और सब नंबर 2 का काम, चाहे धक्का मार वाहन हो, चाहे फर्जी मोटरसाइकिल हो, चोरी का वाहन हो, ज्यादातर 90% किसान यूनियन वाले इस काम को कर रहे हैं। एक सवाल मेरा कि नाबालिग बच्चे भी शहर में वाहन दौड़ा रहे हैं, 2 पहिया वाहन दौड़ा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि उनकी जो देखो, हम उनके गार्जियनों से अपील करते हैं कि नाबालिग बच्चे को कोई वाहन ना दे और उनका DL बनवाए। नाबालिग बच्चे क्योंकि नासमझ बच्चे होते हैं, उनको समझाने का कार्य गार्जियन करेंगे। आपकी बात ट्रैफिक पुलिस ने नहीं मानी तो क्या अगला कदम क्या रहेगा? आज तो जितने देखो सब पदाधिकारी है, कार्यकर्ता नहीं है, कोई ब्लॉक का है, कोई ग्राम प्रमुख है, कोई जिले का है, कोई मंडल का है, ये सब पदाधिकारी है। किसे बोलो? सब पदाधिकारी। अगर बात नहीं मानते तो पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता भी घेराव करेगा, पीछे नहीं हटेगा। ये शिवसेना का एक बहुत बड़ा आंदोलन था ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ, क्योंकि ट्रैफिक जो इन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार का मामला ज्यादा है, शिकायतें आ रही है कि 25,000-30,000 के चालान काटे जा रहे हैं। मेरा एक सवाल हो रहा है कि शहर में नाबालिग बच्चे भी दुपहिया वाहन दौड़ा रहे हैं जो कि दुर्घटना का कारण हो सकता है, उनके माँ बापों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस बात पर ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।